टू माय YouTube चैनल डिजाइनपुर में माय नेम इज शिवानी मिश्रा। आज हम बताएंगे बैकग्राउंड डिजाइन जो बहुत ही लेटेस्ट और न्यू जो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी ये वाली डिजाइन अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। उसके साथ अगर आपने चैनल पहली बार विजिट किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, तभी मेरी कोई न्यू डिजाइन की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। और मेरे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा, तभी आपको डिजाइन अच्छी तरीके समझ में आएगी। चलिए हम आपको वीडियो की तरफ लेके चलते हैं। तो देख लीजिए, मैंने ब्लाउज को कट कर दिया है। मैं आपको इसका लेंथ दिखा देती हूँ। तो मैंने ब्लाउज की लेंथ 13 इंच रखी है। अब 3 इंच की लंबाई हम पहले मार्क कर देते हैं गले के साइड से, क्योंकि ये थोड़ा डिज़ाइनर ब्लाउज है। तो यहाँ से 3 इंच की लंबाई पे मार्क कर लेंगे और 3 इंच की चौड़ाई पे मार्क करेंगे। तो देख लीजिए, अब जहाँ से 3 इंच की लंबाई पे हमने मार्क किया था सेम उसी जगह से 3 इंच की एक चौड़ाई पे और मार्क कर देंगे। तो मैंने देखिए पूरा मार्किंग कर ली है। तो इसकी लंबाई चौड़ाई पूरी 3 इंच थी और 1 इंच का इसमें हम गोलाई कर देंगे गले में। तो ये देख लीजिए, ये मैंने ऊपर के साइड का गले का मार्क कर दिया है। बीच में हम 2 इंच का गैप रखेंगे। तो यहाँ से 2 इंच पे देखिए मैंने एक मार्क किया है। अब मैं गले का लेंथ ले रही हूँ, तो आपको जितना लेना, मैंने 5.5 इंच का रखा है। अब यहाँ से भी ऊपर के साइड से 3 इंच की चौड़ाई पे मार्क करेंगे और नीचे के साइड भी 3 इंच की चौड़ाई पे मार्क कर लेते हैं। अब मैं जितना बराबर क्यों उसको लेंथ में बराबर कर लेंगे। तो देख लीजिए, मैंने पूरा मार्क कर दिया है और इसको मैंने नीचे के साइड से थोड़ा गोल करते हुए मार्किंग कर ली। अब इसको मैं कट कर देती हूँ। तो ये देख लीजिए, मैंने अस्तर को पूरा कट कर दिया है गले को। अब मैं ब्लाउज़ का कपड़ा ले लेती हूँ। अब ब्लाउज़ का कपड़ा बिल्कुल बराबर रख लेंगे अस्तर के, और इसका भी गला सेम ऐसे ही कट करेंगे जैसे मैंने अभी अस्तर का कट कर लिया है। ये देख लीजिए, ये मैंने पूरा गला इसका भी बिल्कुल कट ही कर लिया, थोड़ा सा बाकी है। तो ये देखिए, मैंने ब्लाउज़ के गले को भी बिल्कुल कट कर लिया है। अब मैं इसको स्टिच कर देती हूँ। तो अस्तर और कपड़े के गले को बिल्कुल बराबर करते हो पहले हम स्टिच करके आपको दिखाते हैं। देख लीजिए मैं कहाँ से स्टिच कर रही हूँ। पहले जो मैंने बीच वाला पार्ट कट किया था उसको स्टिच करूँगी, आपको पहले उसे ही स्टिच करना है। तो ये देख लीजिए, मैंने बीच वाले पार्ट में जो सिलाई लगा दी है, अब इस पर मैं कट्स लगा लेती हूँ पूरा, जिससे मैं उलट कर जब सीधा करूँ तो जैसा मैंने कट किया डिज़ाइन सेम वैसे ही आए। तो मैंने देखिए पूरा कट्स लगा लिया, अब इसको मैं उलट कर सीधा कर लेती हूँ। तो ये देख लीजिए, मैंने इसको सीधा कर दिया, हाथों के साथ थोड़ा प्रेस कर दिया, इससे मेरा गला देखिए बिल्कुल परफेक्ट आ गया है। और इस पर एक सिलाई लगा ले रही हूँ जिससे मेरा गला बिल्कुल अच्छे तरीके से डिज़ाइन सेम वैसे आ जाएगी जैसे मैंने कटिंग की थी। तो मेरा गला देखिए ये पार्ट बिल्कुल कम्प्लीट हो चुका है। अब मैं चलिए ब्लाउज की ऑलराउंड स्टिचिंग करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं गले को ऊपर का साइड जो है उसको स्टिच कर देती हूँ। ये देखिए, मैंने गले को स्टिच कर दिया है। अब इसकी अराउंड स्टिचिंग कर लेते हैं। अस्तर और कपड़े को बराबर करते हुए पूरा सिलाई इस पर लगा लेंगे। ये देख लीजिए, मैंने पूरे ब्लाउज पे सिलाई लगा ली है कम्प्लीटली। अब मैं गले पे जो इसके पाइपन करूँगी, जो मेरा ये गला है ऊपर के साइड का, तो चलिए मैं यहाँ से आपको पाइपन करके दिखाती हूँ। तो ये मैंने कपड़ा लिया, इसको मैं देखिए क्रॉस कटिंग कर ले रही हूँ पट्टी को। अब जो हम इसको ज्वाइंट कर लेंगे, थोड़ा सा मेरी पट्टी छोटी थी इसलिए मैं डबल पट्टी ली हूँ, अगर आपका बड़ा हो तो आप एक में ही काम चल जाएगा। तो ये देखिए, मैंने इसको ले लिया है। अब इसको मैं डबल फोल्ड करके स्टिच करूँगी। तो एक साइड से आप बराबर कर लीजिएगा। अब डबल फोल्ड करके मैं स्टिच कर लेती हूँ इसको। तो ये देखिए, मैंने पूरा इसको डबल फोल्ड करके स्टिच कर दिया है।
अब मैं ब्लाउज को लेती हूँ, इसके गले पे इसको लगा के बिल्कुल बराबर में स्टिच कर देंगे। तो देख लीजिए मैंने गले पे बिल्कुल इसको स्टिच कर दिया है। अब चलिए मैं इसको जो है गोल करके पाइपन आपको बना के दिखाती हूँ। तो देख लीजिए मैं कैसे इसका पाइपन बना रही हूँ। वीडियो में आपको सेम ऐसे ही बनाना है और बिल्कुल पतली सी पाइपन बनानी, जैसे मैं देखिए बिल्कुल पतली सी पाइपन बना रही हूँ। मोटी पाइपन मत बनाइएगा, अच्छा नहीं दिखेगा। ये देख लीजिए ये मैंने पाइपन बना लिया है। अब मैं गले पे डिज़ाइन बनाना है तो मैंने देखिए ये कपड़े लिए हैं और इस कपड़े की लंबाई जो है 5.5 है और चौड़ाई इसका 3.5 है। तो चलिए मैं इसको स्टिच कर देती हूँ। तो कैसे मैं स्टिच कर रही हूँ वीडियो में आप देख लीजिए, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट स्टिचिंग इसकी होगी। तो देखिए मैंने तीन साइड से कर दिया। अब एक साइड से देखिए हम आधा आधा स्टिच करेंगे, बीच में थोड़ा सा हम छोड़ेंगे क्योंकि हमें इसे उलट कर सीधा भी करना है। तो देख लीजिए मैंने दोनों साइड से स्टिच कर लिया है और कॉर्नर से जो कट कर दीजिएगा तभी ये उलटने के बाद बिल्कुल वैसा आएगा जैसे हमने स्टिचिंग की है। अब बीच में मैंने जो थोड़ा सा छोड़ा हुआ था उसी जगह से मैं इसको उलट कर सीधा कर लेती हूँ। तो ये देख लीजिए जहाँ से हमने छोड़ा हुआ था उसको पहले फोल्ड करके अंदर के साइड डाल के फिर वहाँ से सिलाई लगा लीजिएगा। तो मैंने देखिए सिलाई लगा ली है और इसके ऑल राउंड पूरा स्टिचिंग मैं कर ले रही हूँ। देखिए मेरी स्टिचिंग हो चुकी है। अब इसका मैं डिज़ाइन बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए सेम ऐसे ही डिज़ाइन इसका बनाया जाएगा, तो इसको एक साइड रखेंगे। ये मैंने देखिए पट्टी ली है, इसकी लंबाई मैं आपको दिखा देती हूँ। इसकी लंबाई देखिए 29.5 है और चौड़ाई इसकी जो मैंने रखी है 4.5 इंच है। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा स्टिच कर देंगे साइड से। तो अपने अकॉर्डिंग जितना छोटा बड़ा आपको ये पट्टी लेनी है आप उतना ले सकते हैं। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग लिया है जितना मुझे अच्छा लगता है। अब यहाँ से देखिए हम थोड़ा सा क्रॉस कटिंग करेंगे क्योंकि हमें डिज़ाइन बनाना है साइड में इसके। तो अब यहाँ से स्टिच कर लेते, तो एक साइड से हम स्टिच कर देंगे और दूसरे साइड से पहले हम कट कर लेते हैं ऐसे ही सेम इस साइड से भी। अब इस साइड का हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो पहले जिस साइड से मैंने स्टिच किया था वहाँ से हम नीडल्स को फंसाते हुए बिल्कुल कॉर्नर से फंसाइएगा, तभी कॉर्नर इसका आ पाएगा उलटने के बाद। अब इसको मैं सीधा कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने इसको सीधा कर लिया है। अब हाथों से थोड़ा थोड़ा प्रेस करते हुए हम इसको स्टिच कर लेते हैं। एक साइड से देखिए मैंने स्टिच कर दिया था, तो ये मेरा जो कॉर्नर वाला था इसे मैंने अंदर फोल्ड करके पूरा कॉर्नर बना के स्टिच कर दिया है। तो मेरी देखिए पट्टी कम्प्लीटली स्टिच हो चुकी है। अब चलिए मैं आपको इस पट्टी से डिज़ाइन बना के ब्लाउज़ पे दिखाती हूँ। तो ये मैंने ब्लाउज़ ले लिया है, तो बीच से बिल्कुल मार्क कर लीजिएगा बिल्कुल बीचों बीच से। अब जो मैंने पट्टी बनाई, एक जो पट्टी का एक पार्ट छोटा रखिएगा एक पार्ट बड़ा रखते हुए यहाँ से आप जो है नीडल्स की सहायता से थोड़ा सिलाई लगा लीजिएगा। तो ये देख लीजिए मैंने सिलाई लगा लिया है। अब मैं आपको इस पे दूसरा डिज़ाइन दिखाती हूँ जो मैंने बनाया हुआ था बटरफ्लाई टाइप में। तो ये देखिए मैंने इस डिज़ाइन को ले लिया है। अब बीच से बिल्कुल इसके मार्क कर लीजिएगा फोल्ड करके। अब चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे मैं इसका बना रही हूँ। वीडियो में आप देख लीजिए, सेम ऐसे ही आप भी बना लीजिएगा इसका जैसे मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। देख लीजिए कम्प्लीटली बन चुका है। अब चलिए मैं इसको ब्लाउज के साथ में स्टिच करके दिखाती हूँ। तो ये कहाँ पे स्टिच किया जाएगा वीडियो में आप देख लीजिए। तो यहाँ से बिल्कुल आप स्टिच कर लीजिएगा जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ।
ये देखिए स्टिच हो चुका है। दोनों पट्टी को हम एक साथ में रख के बांध लेंगे। तो मैं कैसे इसे बांधूंगी आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो ये देख लीजिए, मैंने पट्टी को देखिए दोनों को एक साथ में बांध लिया है। अब इसको थोड़ा नीडल्स की सहायता से थोड़ा सा स्टिच कर लीजिएगा, जिससे कभी खुले ना और अच्छे तरीके से बिल्कुल फिक्स हो जाए। तो ये देख लीजिए, मैंने इसको स्टिच कर दिया है कम्प्लीटली। और मेरी डिज़ाइन देख लीजिए, ये तो मेरी ये डिज़ाइन बिल्कुल कम्प्लीट हो चुकी है। अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। उसके साथ अगर आपने चैनल पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और मेरी कोई डिज़ाइनर ड्रेस या ब्लाउज को अगर आप परचेज करना चाहते हैं, मेरे इंस्टाग्राम आईडी designput22 को फॉलो कर लीजिए। और मैं ऑनलाइन सेलिंग करती हूँ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।